छात्रों, आज हम व्यवसायिक अध्ययन कक्षा 11वीं के अंतर्गत बीमा अध्याय का अध्ययन कर रहे थे। बीमा क्या होता है, आज हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे बीमा के जो विभिन्न प्रकार हैं। बीमा के बारे में हम सब जानते हैं, बीमा एक ऐसा अनुबंध है जिसके अंतर्गत हम अपने जीवन का या संपत्ति का या माल का एक अनुबंध करते हैं, और भविष्य में यदि कोई क्षति हो जाती है तो ऐसी स्थिति में उस क्षतिपूर्ति का जो भुगतान है वो बीमा कंपनी के द्वारा हमें किया जाता है। अर्थात बीमा हमें जो है एक प्रकार से सुरक्षा प्रदान करती है, मुख्य रूप से आर्थिक रूप से। और जब हम किसी भी चीज़ का बीमा कराते हैं एक प्रकार से हम उसकी सुरक्षा से निश्चिंत हो जाते हैं कि भविष्य में यदि किसी प्रकार का नुकसान हुआ तो हमें उसकी क्षतिपूर्ति बीमा के द्वारा की जाएगी। तो आज हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे जो विभिन्न प्रकार के बीमा हैं, कौन कौन से प्रकार हैं। जैसे सबसे पहले तो हम सभी जानते हैं कि जीवन बीमा होता है, फिर इसके बाद वास्तु बीमा है, वाहन बीमा है, आग से नष्ट होने के लिए बीमा है, अग्नि बीमा जिसको बोलते हैं, सामुद्रिक बीमा है, और भी विभिन्न प्रकार के बीमा जो है आज हम उनके बारे में यहाँ अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ अध्ययन करेंगे जीवन बीमा, जिसको हम बोलते हैं लाइफ इंश्योरेंस। तो जीवन बीमा एक ऐसा अनुबंध होता है, ये जीवन बीमा क्या है, दोनों के बीच में बीमा कंपनी और जिसका बीमा होता है उन दोनों के बीच में क्या होता है, एक अनुबंध होता है। इसके अंतर्गत बीमा कंपनी बीमा कराने वाले को एक निश्चित प्रीमियम के बदले में जो किस्तों में या एक साथ अदा किया जा सकता है, मृत्यु होने पर या निर्धारित अवधि समाप्त होने पर एक निश्चित राशि एक मुश्त या वार्षिकी के रूप में अदा करने का वचन देती है। तो यहाँ इस प्रकार से हम देखते हैं कि हम एक निश्चित प्रीमियम का भुगतान करके जो है किसी भी निश्चित अवधि में एक निश्चित राशि का बीमा हम कंपनी से कराते हैं, और यदि इत्तेफाक से मृत्यु हो जाती है तो जिस दिवस में मृत्यु होती है उस अवधि में जो है जितनी राशि का बीमा कराया गया है बीमा कंपनी उसका भुगतान उसके परिवार को, उसकी पत्नी या उसके बच्चे या बच्ची को कर देती है। साथ ही यदि दुर्घटना नहीं होती, मृत्यु नहीं होती है, तो ऐसी स्थिति में प्रीमियम के रूप में जो राशि उतने वर्षों तक उसकी जो जमा हुई है वो एक मुश्त या वार्षिकी के कर देती है, उसको वापस प्रदान करती है। तो अतः जीवन बीमा जितनी अवधि के लिए कराया जाता है और उस अवधि के पूर्व यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो बीमित राशि उस व्यक्ति को के मनोनीत प्रतिनिधि को दे दी जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ हम देखते हैं कि जीवन बीमा अवधि जितनी अवधि के लिए कराया गया है उस अवधि के पूर्व यदि 20 वर्ष के लिए कराया गया है बीमा, अब मान लीजिए चौथे पांचवें साल में या 10वें 15वें साल में जितने भी अवधि में पहले यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो जितनी राशि का बीमा कराया गया है उसके मनोनीत प्रतिनिधि अर्थात पत्नी बच्ची बच्चे को सौंप दी जाती है। तो ये जो है ये जीवन बीमा कहलाता है। इसका जो महत्व है जीवन बीमा का महत्व क्या है, सबसे पहली चीज सुरक्षा, परिवार को आर्थिक सुरक्षा प्राप्त होती है, अर्थात परिवार का मुखिया की यदि किसी किन्हीं कारणों से मृत्यु हो जाती तो ऐसी स्थिति में परिवार का जो जीवन यापन है वो कठिन हो जाता है। तो इस कठिन स्थिति से उबारने के लिए जो है जीवन बीमा उसके परिवार को क्या आर्थिक रूप से सुरक्षा प्रदान करते हैं। दूसरी चीज़ है बचत, प्रीमियम जो हम जमा करते हैं वो क्या है बचत के रूप में है और अवधि पूर्ण होने पर उसे वापस प्राप्त हो जाती है। थोड़ी थोड़ी राशि जो तिमाही छमाही वार्षिक या मंथली हम जो प्रीमियम के रूप में राशि जमा करते हैं यदि कोई घटना नहीं हुई मृत्यु नहीं हुई तो ऐसी स्थिति में जब वो अवधि पूरी हो जाती है तो वो हमें पूरा पैसा जो प्रीमियम के रूप में हमने जमा किया वो हमें वापस मिल जाता। तो एक प्रकार से यहाँ पर ये क्या है बचत के रूप में भी कार्य करता है। फिर आयकर में छूट, आयकर की धारा 80D के अंतर्गत जो है चुकाया गया प्रीमियम की जो राशि है वो हमें आयकर से छूट प्रदान करती है। फिर साझेदारों का जीवन बीमा, एक साझेदारी फर्म में
जितने भी साझेदार हैं उन सब की यदि हम जीवन बीमा कराते हैं और उसमें से किसी एक साझेदार की मृत्यु हो जाती है तो उसके हिस्से को हम बीमा के द्वारा जो हमें क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त होगी उससे हम उसके हिस्से को आसानी से यहाँ चुका सकते हैं। फिर कर्मचारियों का जीवन बीमा, एक संयुक्त छंद प्रमंडल में या कंपनी में या संस्था में जहाँ पर विभिन्न प्रकार के कर्मचारी कार्य करते हैं उन सभी कर्मचारियों का जो है सामूहिक रूप से बीमा कराया जाता है। और ऐसी स्थिति में यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसका जो भुगतान है वो बीमा कंपनी के द्वारा कर्मचारी को प्राप्त होता है। तो इससे जो है कर्मचारी के मन में जो है धर्म के प्रति निष्ठा बढ़ती है। फिर अंतिम जो इसका महत्व या लाभ है, वित्तीय ऋण लेने में सहायक। हम जीवन बीमा पॉलिसी जो लेते हैं उसके आधार पर हम बैंक से किसी भी प्रकार का ऋण यदि हम चाहते हैं, लोन लेना चाहते हैं, तो वो हमें प्राप्त है। जीवन बीमा के महत्व या जीवन बीमा के लाभ। इसके बाद हम देखते हैं जीवन बीमा पॉलिसी के प्रकार। अभी हमने बीमा के प्रकार देखे जिसमें पहला प्रकार का हम अध्ययन कर रहे थे जीवन बीमा। अब यहां हम देखेंगे कि जीवन बीमा के भी विभिन्न प्रकार हैं। उसमें पहला प्रकार जो है आजीवन बीमा पॉलिसी। ये इस प्रकार की पॉलिसी है जो एक व्यक्ति के जीवन में आजीवन तक चलती रहती है, अर्थात वो प्रीमियम जो है वो जब तक जीवित रहता है तब तक वो प्रीमियम चुकाता रहता है, और जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो बीमित राशि जो है उसके मनोनीत प्रतिनिधि को प्राप्त हो जाती है। मनोनीत प्रतिनिधि मतलब यहां पर परिवार के सदस्य, कोई भी सदस्य हो सकता है, पत्नी हो सकती, बच्चे, बच्ची, या जो जिसको उसने नामिनेट किया है। तो आजीवन बीमा पॉलिसी इसका आशय यह है कि ये एक इस प्रकार की पॉलिसी जो आजीवन चलती रहती है, और जब बीमित की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद जो राशि, जितनी राशि का बीमा किया गया उसके प्रतिनिधि को सौंप दी जाती है। फिर इसके बाद बंदोबस्ती जीवन बीमा पॉलिसी, ये सामान्य बीमा पॉलिसी कहलाती है जो कि एक निश्चित अवधि के लिए पॉलिसी ली जाती है। जैसे सामान्य तौर पर इसकी अवधि जो है 10 से 20 30 वर्षों तक की होती है, इसके आगे भी हो सकती है या कम भी हो सकती है। तो ये सामान्य बीमा पॉलिसी कहलाती है जिसमें निश्चित अवधि के लिए पॉलिसी ली जाती है, एक निर्धारित समय के लिए पॉलिसी ली जाती है। यदि समय पूर्व बीमक की मृत्यु हो जाती है तो बीमित राशि जो है परिवार को सौंप दी जाती है, और यदि मृत्यु नहीं हुई, अवधि पूर्ण हो गई, तो बीमित और बीमित जीवित है तो प्रीमियम की जमा कुल राशि बीमित राशि जो है बीमक को प्राप्त हो जाती है। तो बंदोबस्ती जीवन बीमा पॉलिसी एक प्रकार से परिवार के बंदोबस्त से जुड़ी हुई, अर्थात परिवार को आगे आर्थिक परेशानी ना हो, इस परेशानी को दूर करने के लिए जो है बंदोबस्ती जीवन बीमा पॉलिसी होती है। फिर तीसरा जो है संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी। इसके अंतर्गत जो है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के लिए संयुक्त रूप से ज्वाइंट पॉलिसी ली जाती है, जैसे पति और पत्नी की या परिवार के सभी सदस्यों की एक साथ जो है ये संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी ली जाती है। अब इसमें किसी भी व्यक्ति की, अब जितने संयुक्त रूप से जितने लोगों की पॉलिसी ली गई है उसमें से यदि किसी की मृत्यु हो जाने पर जो है दूसरे बीमित व्यक्ति को राशि प्राप्त हो जाती है, और यहाँ जो उसका प्रीमियम है वो देना चुकाना बंद हो जाता है। जैसे यदि पति और पत्नी दोनों की एक साथ यदि संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी ली है, इनमें से यदि किसी एक की मृत्यु हो जाती है तो पैसा जो है दूसरे पत्नी को या पति को जो जीवित है उसको प्राप्त हो जाता है, और प्रीमियम जो जमा करते थे वो प्रीमियम वहीं बंद हो जाता है। तो ये जो है यहाँ पर हमने देखे आजीवन बीमा पॉलिसी, बंदोबस्त जीवन बीमा पॉलिसी और संयुक्त बीमा पॉलिसी। चौथा प्रकार जो है वो सामूहिक बीमा पॉलिसी। सामूहिक से मतलब ज्वाइंट में, समूह में। इस पॉलिसी के अंतर्गत जो है एक संस्था या उपक्रम में बहुत सारे कर्मचारी कार्य करते हैं उन सभी के लिए सामूहिक रूप से ये पॉलिसी ली जाती है, और किसी कर्मचारी की यदि मृत्यु हो जाती है तो निश्चित राशि उसके परिवार को प्राप्त हो जाती है। सामूहिक बीमा पॉलिसी जो है वर्तमान में प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर में सभी सेक्टरों में जो है
आजकल जो है कर्मचारियों के हित के लिए सामूहिक बीमा पॉलिसी को अपनाया जाता है। फिर है वार्षिक बीमा पॉलिसी। इस पॉलिसी में बीमित राशि बीमक को एक निश्चित आयु पूरा करने पर त्रैमासिक, मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक या वार्षिक आधार पर किस्तों के रूप में अदा प्रीमियम का भुगतान एक साथ या किस्तों में निर्धारित अवधि तक किया जाता है। यह पॉलिसी निश्चित आयु के बाद नियमित आय प्राप्त करने के लिए उपयुक्त है। वार्षिक बीमा पॉलिसी, इसमें हम क्या करते हैं कि एक निश्चित आयु पूरा करने के बाद जो है मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक या वार्षिक आधार पर हम किस्तों के रूप में अदा की जाती है बीमित राशि। इसमें जो प्रीमियम का भुगतान जो है वो एक साथ या किस्तों में हम निर्धारित अवधि तक कर सकते हैं। जैसे कि यदि हमने आज यदि पॉलिसी लेते हैं और 50 वर्ष के बाद उसका हमें वापस भुगतान प्राप्त होना शुरू हो जाता है, जो कि मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक या वार्षिक रूप में हमें प्राप्त होता है। तो ये वार्षिकी बीमा पॉलिसी है। इसके अलावा जो विविध बीमा पॉलिसी हैं, जैसे दोहरी दुर्घटना क्षतिपूर्ति, यदि किसी दुर्घटना से संबंधित है ये, तो दुर्घटना में जो क्षति हुई है उससे संबंधित, फिर यूनिट संबंधी जीवन बीमा योजना, जीवन सुरभि पॉलिसी, बच्चों के लाभ की पॉलिसी, शिक्षा से जुड़ी हुई, आजीविका, विवाह, बंदोबस्त आदि से संबंधित पॉलिसियाँ सम्मिलित हैं। तो ये जो विभिन्न प्रकार की हमने पॉलिसियाँ देखी, ये जीवन बीमा पॉलिसी के विभिन्न प्रकार हैं। अब हम दूसरे प्रकार के बीमा पर चलते हैं, जिसको हम कहते हैं स्वास्थ्य बीमा। स्वास्थ्य बीमा जो है ये एक ऐसा अनुबंध है, इसके अंतर्गत जो है आमतौर पर जब हम कभी बीमार पड़ जाते हैं या हमारे साथ कोई दुर्घटना हो जाती है या किसी प्रकार का कोई ऑपरेशन वगैरह होना है जिसमें हमें इलाज के लिए काफ़ी लंबा खर्च होना है, तो इस स्थिति में हम एक निर्धारित जो प्रीमियम है उसको हम बीमा कंपनी के पास जमा करते हैं और बीमा कंपनी जो है उस प्रीमियम के बदले में हमें निर्धारित राशि का स्वास्थ्य बीमा करके देती है। तो ये अनुबंध है जिसके अंतर्गत बीमा कंपनी बीमारी, दुर्घटना या सर्जरी की दशा में उस वक्त होने वाले व्यय या क्षतिपूर्ति के लिए बीमित व्यक्ति को आश्वासन देती है। इसके बदले में बीमित व्यक्ति को एक निश्चित धनराशि प्रीमियम के रूप में देनी होती है। इसमें कुछ शर्तें होती हैं कि निश्चित अस्पताल में इलाज होना चाहिए, निश्चित बीमारियों का इलाज होता है इसमें, जो भी बीमा कंपनियों द्वारा जो है ये तय किया जाता है कि किन किन हॉस्पिटलों में, अस्पतालों में इलाज करने पर उनके द्वारा जो है उस क्षतिपूर्ति का भुगतान, व्यय राशि का भुगतान किया जाएगा, साथ ही किन किन बीमारियों के इलाज के लिए उनके द्वारा जो है अनुबंध किया गया है, ये जो है इलाज व्यय बीमित राशि तक का होता है। जो भी हमारा ट्रीटमेंट एक्सपेंडिचर है, व्यय है, खर्च है, वो कहाँ तक का होगा, बीमित राशि तक का, जितने का हमने बीमा लिया हुआ है। यदि 3 लाख का बीमा लिया हुआ है स्वास्थ्य बीमा और मान लीजिए हॉस्पिटल का खर्च जो है लगभग 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए हो रहा है, तो बीमा कंपनी जो है यहाँ पर 3 लाख रुपए तक की भरपाई करने के जिम्मेदार होती है। इसमें जो कुछ संरक्षित क्षेत्र है, जैसे मूल व मुख्य चिकित्सा व्यय हो गए, जो मुख्य रूप से ऑपरेटिंग से संबंध में, इलाज से संबंधित में, दवाइयों के संबंध में जो मूल व्यय हुए हैं उनकी पूर्ति, व्यय की पूर्ति बीमा कंपनी करती है स्वास्थ्य बीमा के अंतर्गत। फिर विकलांगता की क्षतिपूर्ति, किसी प्रकार से यदि हाथ पैर या किसी ऐसी प्रकार की क्षतिपूर्ति हो गई जिससे कि आगे व्यक्ति को अपने जीवन यापन में कठिनाई होगी, तो यहाँ विकलांगता की क्षतिपूर्ति। फिर चिकित्सा पूरक और दीर्घावधि अवधि हेतु अस्पताल में भर्ती। तो इन विभिन्न बिंदुओं के आधार पर जो है एक कंपनी के द्वारा, बीमा कंपनी के द्वारा स्वास्थ्य बीमा किया जाता है। अग्नि बीमा, अग्नि बीमा का जो प्रारंभ है 1966 में किया गया है। अग्नि बीमा से तात्पर्य यह है कि किसी भी प्रकार की संपत्ति में, माल में यदि अग्नि के कारण, आग लगने से जो है किसी प्रकार का नुकसान हो जाता है, तो कंपनी के द्वारा जो संपत्ति या उस माल का जो बीमा अनुबंध किया गया है नष्ट होने के पश्चात उसको, उसके नुकसान को पूरा करने का आश्वासन देती है। तो अग्नि बीमा, बीमा का अनुबंध है जिसमें बीमा कंपनी आग लगने से होने वाली हानि को पूरा करने का बीमित व्यक्ति को आश्वासन देती है। इसके बदले बीमित व्यक्ति को एक धनराशि प्रीमियम के रूप में अदा
करनी पड़ती है। तो यहां पर जो है बीमित व्यक्ति के द्वारा एक निश्चित धनराशि प्रीमियम के रूप में कंपनी के पास जमा करती है और कंपनी जो है उसकी संपत्ति, उसके माल की अग्नि से होने वाली नष्ट होने वाली क्षतिपूर्ति को पूरा करने का यहाँ पर अनुबंध करती है। इसके जो प्रकार हैं, औसत पॉलिसी, इसमें संपत्ति के वास्तविक मूल्य से बीमित राशि कम है तो बीमित व्यक्ति को हानि उसी अनुपात में बहन करना पड़ती है। औसत पॉलिसी ये बताती है कि यदि संपत्ति का जो वास्तविक मूल्य है उससे बीमित राशि कम है तो बीमित व्यक्ति को जो हानि हुई है हानि को उसी अनुपात में उसको बहन करना पड़ेगा। दूसरी जो है विशिष्ट पॉलिसी है, इसमें व्यक्ति अपनी संपत्ति का एक विशिष्ट मूल्य के लिए बीमा कराता है, क्षति होने पर उसी मूल्य की क्षतिपूर्ति राशि उसे प्रदान की जाती है। विशिष्ट पॉलिसी का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि एक संपत्ति जो जितने की संपत्ति है उतनी ही संपत्ति का वो बीमा कराता है, और यदि वो नष्ट हो जाती है तो जितना विशिष्ट मूल्य जो मुक्त मूल्य का जो उसने बीमा कराया है वही मूल्य उसको प्राप्त हो जाता है। फिर चालू या खुली पॉलिसी, एक व्यापारी का विभिन्न अलग अलग प्रकार के गोदामों में अलग अलग स्थानों पर माल रखा होता है, संपत्ति होती है अलग अलग स्थानों पर उसकी, तो इसका मतलब यहाँ पर यह है कि यदि वो हर स्थान पर अलग अलग संपत्ति माल उसकी है तो वो हर स्थान वहाँ वहाँ का वो बीमा कराए, तो ऐसा नहीं है। इसके लिए वो क्या करता है, एक ही बीमा पॉलिसी लेता है और उसमें ये शो करता है कि जो अलग अलग स्थानों पर जो उसका माल रखा हुआ है उन अलग अलग स्थान पर रखे हुए माल का एक ही बीमा उसके द्वारा कराया जाता है। तो विभिन्न स्थानों पर रखे माल का अग्नि बीमा जो है इसके द्वारा यहाँ कराया जाता है। तो ये तीसरा प्रकार जो था अग्नि बीमा। इसके बाद चौथा जो है सामुद्रिक बीमा। ये जो है सर्वाधिक पुराना बीमा का स्वरूप है सामुद्रिक बीमा। वर्तमान में तो बहुत सारे संसाधन हैं यातायात के जिनके माध्यम से माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाते हैं, लेकिन प्राचीन समय में जो है सामुद्रिक मार्ग जो था वो हमारे व्यापार के लिए मुख्य मार्ग था, और सामुद्रिक मार्ग में जो है माल को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजने पर हमेशा दुर्घटना की संभावना होती थी। तो यहाँ समुद्र मार्ग से जब जहाज माल लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान को जाता है तो मार्ग में दुर्घटना की संभावना होती है जिसमें जहाज माल व व्यक्ति को हानि हो सकती है। इस हानि से बचने के लिए किया जाता है सामुद्रिक बीमा। इसमें भी जो है सामुद्रिक बीमा एक ऐसा अनुबंध है जिसके अनुसार निश्चित प्रीमियम लेकर बीमा कंपनी सामुद्रिक हानि को पूर्ति करने का आश्वासन देती है। तो इसमें जैसे विभिन्न प्रकार जो है जहाजी माल का बीमा, जहाज में जितना माल रखा हुआ है वो माल विभिन्न कारणों से, मान लीजिए जहाज के टकराने से या आग लगने से या जहाज के डूबने से या सामुद्रिक लूटपाट, ट्रेनों के द्वारा यदि कोई लूटपाट कर ली जाती तो उससे नुकसान के बचने के लिए जो है जहाजी माल का बीमा, जितना माल रखा हुआ है उसका बीमा। दूसरा है जहाज का बीमा, जो स्वयं जहाज को विभिन्न प्रकार के सामुद्रिक जोखिम में, तूफान में या जहाज के टकराने से किसी भी प्रकार का नुकसान यदि जहाज को होता है तो ऐसी स्थिति में जहाज का भी बीमा कराया जाता है। तीसरा प्रकार जो है भाड़े का बीमा। भाड़े का बीमा से तात्पर्य यहाँ पर किराए का बीमा। किराया क्या होता है, अक्सर कि जहाजी कंपनी जो माल लेके जा रहे हैं उसको उस स्थान तक पहुंचने पर किराया प्राप्त होता है अथवा नहीं होता है। माल मान लीजिए रास्ते में कुछ क्षतिपूर्ति हो गई, नष्ट हो गई, तो ऐसी स्थिति में उसको किराया प्राप्त होने की संभावना कम हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में वो क्या करता है कि जितना किराया बनता है उस किराए का भी वो क्या करता है, बीमा कराता है। तो जहाजी कंपनी को माल ले जाने के लिए मिलने वाले किराए की हानि का भय रहता है जिसकी सुरक्षा हेतु वो बीमा कराता है, जिसकी सुरक्षा के लिए वो बीमा उसके द्वारा कराता है। तो ये जो है सामुद्रिक बीमा के अंतर्गत जहाजी माल का बीमा होता है, स्वयं जहाज का बीमा होता है और जो किराया है उसका बीमा किया जाता है। इसके बाद पांचवें प्रकार का जो है सामान्य बीमा। विभिन्न प्रकार के जो बीमे हैं वो सामान्य बीमे में आते हैं, जैसे हम अक्सर देखते हैं मोटर बीमा, वाहन बीमा जिसको हम बोलते हैं,
गाड़ी की दुर्घटना होने पर चालक की, गाड़ी की व तीसरे व्यक्ति की चोट व मृत्यु संबंधी जोखिम के लिए बीमा किया जाता है। अक्सर हम सुनते हैं फर्स्ट पार्टी बीमा, सेकंड पार्टी बीमा, थर्ड पार्टी बीमा। तो यहाँ पर जो है मोटर बीमा के अंतर्गत इन तीनों कैटेगरी में जो है बीमा कराया जाता है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट इसमें थर्ड पार्टी बीमा कराना अनिवार्य होता है, ताकि वाहन से यदि तीसरे व्यक्ति को चोट लग जाए या किसी प्रकार की उसके साथ दुर्घटना हो तो उसकी जो भरपाई है, उसकी क्षतिपूर्ति वो बीमा कंपनी के द्वारा हो सकती है। फिर चोरी बीमा, चोरी, डकैती, लूटपाट आदि से होने वाली हानि से बचने के लिए जो है चोरी बीमा कराया जाता है। इसके बाद साख बीमा, व्यवसाय में अक्सर होता है कि हम माल को उधार बेचते हैं और भविष्य में उस उधार बेचे गए माल की वसूली की जोखिमता जो है वो हमेशा बनी रहती है, इसलिए उधार दिए गए माल की वसूली की जोखिमता से बचने के लिए जो है साख बीमा कराया जाता है। जो हमने उधार बेचा हुआ है उधार, उसका बीमा कराया जाता है। फिर व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, इसमें बीमित व्यक्ति की दुर्घटना में चोट या मृत्यु होने की दशा में होने वाली क्षतिपूर्ति से बचा जा सकता है। यहाँ चोट लगने पर उसका उपचार का व्यय व मृत्यु की दशा में बीमा कंपनी जो है बीमित राशि का भुगतान करती है। तो ये विभिन्न प्रकार के जो है जनरल सामान्य बीमा है, मोटर बीमा, चोरी बीमा, साख बीमा और दुर्घटना, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा। यहाँ कुछ अभ्यास के प्रश्न हैं। जीवन बीमा से क्या आशय है, उसके महत्व को स्पष्ट कीजिए या लाभ लिखिए। सामान्य बीमा पॉलिसी के जो प्रकार हमने अब आपको समझाए वो आपको बताना है। फिर स्वास्थ्य बीमा क्या है, उसके संरक्षित क्षेत्र कौन कौन से समझाइए। अग्नि बीमा से क्या आशय है, सामुद्रिक बीमा से आशय व उसके प्रकारों को समझाइए और मोटर बीमा पॉलिसी व साख बीमा पॉलिसी को समझाइए।